ये जो 1 लाख पदों पे भर्ती का जो जुमला उठाया था ये पिछले 2020 से चल रहा है, 2021 में पूरे 1 साल तक यही मैटर हुआ कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती कराएंगे, 1 लाख पदों पे भर्ती कराएंगे बिना किसी आधार की भर्ती कराएंगे। और आज जब इन्होंने अभी कल जब जारी किया जो सर्कुलर जारी किया, इसमें पूरे पदों को देखिए कि किन पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं और जो भी पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं कैसे कैसे उन्होंने छटाक छटाक भर के बांट रखी है कि 2022 में कौन सी भर्ती करवाएंगे, 2023 में कौन सी भर्ती करवाएंगे, कितने परसेंट 2024 भर्ती करवाएंगे। 2022 तो गया, उसका तो नोटिफिकेशन भी कुछ भर्तियों का आएगा, कुछ भर्तियों का जो भी आता है नोटिफिकेशन। ये बताइए आबकारी विभाग की भर्ती निकली, आबकारी विभाग में 149 पोस्ट, जबकि वो 149 पोस्ट बैकलॉग पद है, जबकि 313 पद जो खाली है वो खाली पद है जो कि सामान्य भर्ती के लिए। तो अब इतने मतलब 20-25 लाख युवा जो रजिस्टर्ड है व्यापम में रजिस्टर्ड है और 40 लाख युवा जो कि बेरोजगार की वेबसाइट में अनरजिस्टर्ड है, उनके लिए 149 भर्ती लेकर के आते हैं और कहते हैं हम 1 लाख का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इनका सिर्फ एक जुमला है कि 2023 में युवा बिल्कुल भी इनका विरोध न करे, आसानी से इनका चुनाव हो जाए, 2023 में इनका जो चुनाव होने के बाद 2024 में इनका लोकसभा चुनाव हो जाए। आप चलिए पहलू को चुनाव, आप चुनाव से जुड़ रहे हैं भाई, चुके आप युवाओं की आवाज उठाते दिनेश, आप लोगों को लग रहा है चुनावी लॉलीपॉप है अगर मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले पहले आप लोगों की तरफ से कहा जाता है केवल मंच पे घोषणाएं होती हैं, अब कागजी तौर पर अगर विवरण आ रहा है भर्ती का तो इसमें दिक्कत कहां पे है ये बता दीजिए। दिक्कत है ना सर, अगर आप भर्ती करवाने जाते हैं तो आपके पास भर्ती कराने का एक आधार तो होना चाहिए, भर्ती कराने का मंच तो होना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिनर्स बोर्ड नंबर 1 का बेस्ट संस्था है, ये सबको पता है। आज मेरे पास पूरी फाइल रखी है, ऐसी फाइल दिखा दूंगा, किसी के 20 नंबर बढ़ा देना, किसी के 30 नंबर कम कर देना। और जो कंपनी लेती है फर्जी कंपनी एडुकेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई राज्यों द्वारा ब्लैकलिस्टेड है, ऐसी कंपनियों से लोग जो है एग्जाम करवाते हैं, इनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, इनके पास पीआरओ के व्यक्ति नहीं बैठता है, इनके पास ढंग की संस्थाएं नहीं है, इनके पास ब्लैकलिस्टेड कॉलेज होते हैं जिन कॉलेजों को लेकर के लगातार कैश लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास रूल ही नहीं है, 1-3 साल से एक मुद्दे को नहीं सुलटा पाए कि 14% की 27%। और बात करते हैं भर्तियों की, अगर इतनी ज्यादा पड़ी हुई तो आज तक अभी 2019 के बच्चों इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ क्या न्याय हुआ बताइए।